विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस विच तुहाडा स्वागत है। असी अपने पिछले वीडियो विच चिट्ठी पत्र दियां किस्मां दे बारे जाणिया। इस तो इलावा निजी पत्र किवें लिखिया जा सकता है इम्तिहानी दृष्टिकोण तो इस दे बारे जानकारी लई अज असी दफ्तरी पत्र दे बारे डिस्कस करांगे। दफ्तरी पत्र दो तरह के होंदे हन, सरकारी ते गैर सरकारी दफ्तरी पत्र। सरकारी दफ्तरी पत्र सरकारी अधिकारियों नूं लिखे जाते हैं और इन्हां दे विच विनय पत्र, बेनती पत्र जां अर्जियां भी शामिल हुंदियां हन। यह स्कूल कॉलेज के मुखियां अते होर उच्च सरकारी अहुदियां ते विराजमान शख्सियतां नूं लिखे जाते हैं। हुण विद्यार्थियो असी इन्हां नूं लिखण दा ढंग जाण लैंदे हाँ। सब तो पहला विनय पत्र लिखण वेले सेवा विखे लिखना है। स्कूल कॉलेजां दे मुखियां नूं लिखे जाण वाले विनय पत्र सेवा विखे तो ही आरंभ किए जाते हैं। यह खब्बे पासे लिखा जाता है। इस तो हेठां संबंधित प्राप्तकर्ता मुखी अधिकारी का पता लिखा जाता है। जिवें सेवा विखे कौमा लगाना है, फिर है प्रिंसीपल साहिब तो बाद कौमा, उस तो नीचे डैश करके स्कूल लिख देना है ते कौमा लगाना है। इस तो बाद डैश फिर शहर ते नाल डंडी लगा देनी है। इस तो अगे है बेनती पत्र विच जो मंग, समस्या जां शिकायत आदि है उसनू संखेप रूप विच मोटे अखरां विच विशा लिखन तो बाद इत्थे दो बिंदी डैश लगा के फिर लिख देना है। जिवें कि फीस मुआफ़ी लई विनय पत्र जां बीमारी दी छुट्टी लई विनय पत्र, उस तो बाद डंडी लगा देनी है। इस तो बाद संबोधनी शब्द जो उच्च अधिकारी दे सतिकार वजों लिखे जाते हैं, यह विषय दे हेठां खब्बे पासे लिखे जाते हैं, जिवें कि श्रीमान जी जां श्रीमती जी। इस तो बाद आउंदा है विनय पत्र दा ढांचा। इत्थे सनिमर बेनती करदे होए तुरंत बाद अपने असली विषय वल आ जाना चाहीदा है। अजिहे पत्रां विच वाधू बेलोड़ियां गल्लां तों बचना चाहीदा है। शिकायत विचों भी निम्रता झलकनी चाहीदी है। भाषा सरल, ढुकवीं शब्दावली ते लिखत शुद्ध ते स्पष्ट होनी चाहीदी है। अंत विच आशावादी दृष्टिकोण तो धन्नवाद सहित विनय पत्र की समाप्ति करनी चाहीदी है। इस नूं इस तरह लिखना है जिवें धन्नवाद सहित, उस तो बाद जेकर स्कूल दे प्रिंसीपल नूं लिख रहे हो तां आप जी दा आग्ञाकारी विद्यार्थी जां आप जी दा आग्ञाकार, उस तो नीचे उड़ा एड़ा ईड़ी जां तुसी कक्का खक्खा गग्गा लिख सकते हो क्योंकि इत्थे तुसी अपना नाम नहीं लिखना। इस तो बाद स्टूडेंट्स तुसी रोल नंबर लिख के डैश लगा देनी है। उस तो बाद क्लास लिखना है, क्लास तो बाद भी डैश डैश कर देना है। इस दे खब्बे पासे मिति लिखनी है। मिति इस तरह लिखनी है, मिति दो बिंदी जो डेट है वो लिखन तो बाद फिर मंथ लिखना है। मंथ लिखन तो बाद तुसी कौमा लगा देना है, फिर उस तो बाद साल लिखना है। विद्यार्थियों ये स्कूल दे प्रिंसीपल नूं विनय पत्र लिखन दा तरीका। स्टूडेंट्स हुण असी ये जाणांगे कि उच्च सरकारी अधिकारियां जां व्यापारक पत्र किस तरह लिखा जाता है। इस नूं लिखण दा तरीका इस तरह है। सब तो पहला इम्तिहानी दृष्टिकोण तो प्रीख्या भवन लिखना है, उस तो बाद कौमा, फिर डैश लगा के केंद्र, इस तो बाद भी कौमा, फिर डैश लगा के शहर, इस तो बाद डंडी, फिर मिति लिखनी है जिवें कि 20 नवंबर, इस तो बाद कौमा, फिर साल 2020। इस तो बाद सेवा विखे ये खब्बे पासे लिखना है। इस दे नीचे जिस नूं तुसी विनय पत्र लिख रहे हो उस नूं संबोधन करना है अते उस तो बाद कौमा लगा देना है। जिवें कि इत्थे एग्जाम्पल दे तौर ते दित्ता है, तुसी डिप्टी कमिश्नर साहिब नूं बेनती पत्र लिख रहे हो तां इत्थे डिप्टी कमिश्नर साहिब कौमा जिला लिखण तो बाद डंडी लगा देनी है। इस दे अगे डैश लिख देना है। फिर है विशा, इत्थे विशा वो लिखना है जो बेनती पत्र विच मंग, समस्या जां शिकायत आदि है।
उसनों संखेप रूप दे विच मोटे अखरां दे विच इत्थे लिख देना है। इस तों बाद संबोधनी शब्द आ जांदे हन, जिवें उच्च अधिकारी दे सतिकार वजों ये शब्द विषय दे हेठां खब्बे पासे ही लिखे जांदे हन, जिवें श्रीमान जी जां श्रीमती जी। इस तों अगे है विनय पत्र दा ढांचा। इस दे विच सनिमर बेनती करदे होए तुरंत बाद अपने असली विषय वल आ जाना चाहिदा है। अजे पत्रां विच वादू बेलोड़ियां गल्लां तों परहेज करना चाहिदा है। शिकायत विच भी निम्रता झलकनी चाहिए है। भाषा सरल होनी चाहिए है, ढुकवीं होवे, शब्दावली भी वधिया अते लिखत शुद्ध ते स्पष्ट होनी चाहिए है। अंत दे विच आशावादी दृष्टिकोण तो धन्नवाद सहित विनय पत्र की समाप्ति कर देनी चाहिए है। इस तो अगे अंतले शब्द आ जाते हैं। यह अंतले शब्द सज्जे पासे सब तो हेठां होने चाहिए हैं। इस नूं लिखण दा तरीका इस तरह है, ना वाकफ अधिकारी लई जिस नूं तुसी नहीं जानदे उत्थे तुसी लिखना है आप जी दा विश्वास पात्र। जेकर तुसी अधिकारी नूं जानदे हो वाकफ अधिकारी है तां उत्थे आप जी दा आग्याकार। जे तुहाडे बराबर दा ही है तां बराबरी दे लई आप दा शुभ चिंतक। जेकर तुसी व्यापारक चिट्ठी लिख रहे हो तो उस दे अंत विच आप दा विश्वास पात्र लिखना है। मिति लिखण लई चिट्ठी दे विच तीन थावां ढुकवियां मनिया गई हैं, जिमें कि जदों तुसी स्टार्टिंग दे विच वल्लों वाले पते दे हेठां लिख सकते हो, दूसरा अंतले शब्दां दे दस्तखतां तों हेठां जां दस्तखतां दे बराबर खब्बे पासे भी लिख सकते हो। इस तरह दे नाल विद्यार्थियों ये सी उच्च सरकारी अधिकारियों नूं लिखण वाले बेनती पत्र जां व्यापारक पत्र लिखण दा तरीका। असी अपने अगले वीडियो दे विच अखबार दे संपादक नूं पत्र किस तरह लिखना है इस दे बारे डिस्कस करांगे। तद तक धन्नवाद, शुक्रिया।